हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो का पहला पार्ट पुमा द माउंटेन लोयन देखा होगा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो के पार्ट 5 को शुरू करते हैं। पुमा वर्सेस जगुआर। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं दो सबसे शानदार शिकारियों के बीच तुलना करूंगा कि इनमें कौन ज्यादा ताकतवर है, अमेरिका की बड़ी बिल्लियां, मेरा मतलब है जगुआर बनाम कूगर। अगर वे दोनों आमने सामने लड़ते हैं तो कौन जीतेगा? ये दोनों ही शानदार है। जगुआर और कूगर दक्षिण, मध्य और उत्तरी अमेरिका में बिल्लियों में समान निवास स्थान साझा करती है। जगुआर के जबड़े सबसे शक्तिशाली है और सभी प्रजातियों में इसके जबड़े सबसे मजबूत होते हैं। दक्षिण और मध्य अमेरिका के यह दोनों अंडररेटेड बड़ी बिल्लियां शीर्ष के शिकारी हैं। वही कूगर को प्यूमा या माउंटेन लायन के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर, मध्य और दक्षिण अमेरिका में जगुआर के बाद कूगर दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली की प्रजाति है, लेकिन बड़े आकार के बावजूद इसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है क्योंकि यह दहाड़ नहीं सकता। कूगर हिसिंग या मेविंग हाउस कैट की तरह करता है। अब देखना यह है कि इस खूनी लड़ाई में कौन जीत पाता है। यहाँ हम आकार और वजन की तुलना करेंगे। अगर हम आकार और वजन के बारे में बात करते हैं तो देखें कि जगुआर एक कॉम्पैक्ट और अच्छी तरह से पेशी वाला जानवर है। एक वयस्क नर जगुआर की औसत लंबाई सिर से पूंछ तक लगभग 6 से 7 फीट है और कंधे की ऊंचाई लगभग 2.6 फीट है। औसत पुरुष का वजन 56 से 96 किलोग्राम तक हो सकता है और जगुआर का अधिकतम वजन 160 किलोग्राम तक रिकॉर्ड किया गया है। वही वयस्क नर कूगर सिर से पूंछ तक लगभग 7.9 फीट लंबे होते हैं और कंधों तक लगभग 2.1 फीट ऊंचा, और कूगर का औसत वजन लगभग 53 से 100 किलोग्राम होता है। लेकिन अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा माउंटेन लायन 125 किलो का था। कूगर की बाइट फोर्स लगभग 350 पाउंड प्रति वर्ग इंच होती है, लेकिन मैं इसके बाइट फोर्स के बारे में निश्चित नहीं हूँ, जबकि जगुआर 1500 पाउंड प्रति वर्ग इंच बल की डिलीवरी कर सकता है। यहाँ तो काटने के बल के मामले में जगुआर आगे हैं, अतः बाइट फोर्स में जगुआर स्पष्ट विजेता है। जगुआर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुँच सकता है और कूगर भी 64 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा जितना तेज दौड़ सकता है, अतः गति की दृष्टि से दोनों बराबर हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जगुआर एक बहुत अच्छा एथलेटिक्स है, लेकिन अगर मैं उनकी तुलना कूगर से करूं तो ध्यान दें कि कूगर एथलेटिक्स के परास्नातक हैं। कूदने में तो मेरे हिसाब से कूगर ज्यादा फुर्तीले होते हैं और जगुआर की तुलना में ज्यादा एथलेटिक्स भी होते हैं। जगुआर लंबाई में 20 फीट तक की छलांग लगा सकता है और वे जमीन से 10 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकते हैं। वही दूसरी तरफ कूगर क्षैतिज रूप से लगभग 40 फीट और लंबवत रूप से 20 फीट छलांग लगा सकता है, तो इस गुण में भी कूगर स्पष्ट विजेता है। जगुआर के दांत 2.9 इंच लंबे होते हैं और उनके जबड़ों में 30 दांत होते हैं। जगुआर के पंजे बहुत तेज और पकड़ बनाने योग्य होते हैं। जगुआर के पंजे 2.3 इंच के होते हैं। इनका उपयोग शिकार पकड़ने, चढ़ाई और गंध अंकन के लिए उपयोग किया जाता है। वही पहाड़ी शेरों के पंजे शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं, जबकि उनके जबड़े की मांसपेशियां शक्तिशाली होती हैं। कूगर के दांत 2.2 इंच लंबे और उनके जबड़ों में दांतों की संख्या 30 होती है। इनके पंजों का आकार 2 से 3 इंच तक हो सकता है। जगुआर सख्ती से मांसाहारी और अवसरवादी होते हैं। वे सामने आने वाली लगभग किसी भी चीज का शिकार कर सकते हैं। वे दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े शिकारी से भी निपट सकते हैं। पशु, कायमन, कैपीबारा, हिरण, कछुआ, इगुआना, आर्मडिलोस, मछली, बंदर और यहाँ तक कि मवेशी भी इसके शिकार में शामिल है। दूसरी ओर कूगर का मुख्य शिकार गुआन को, हिरण, एल्क, मूस, मवेशी और भेड़ है। संक्षेप में कहे तो इनकी क्षमता का अनुमान हम इनके लिखे गए गुणों से लगा सकते हैं। कूगर या पुमा, वैज्ञानिक नाम प्यूमा कॉनकलर, लंबाई लगभग 8 फीट,
ऊंचाई 60 से 90 सेंटीमीटर, वजन लगभग 53 से 100 किलोग्राम, छलांग लगभग 5 मीटर से ऊंची और 6 से 12 मीटर से लंबी, रफत आर 55 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे, बाइट फोर्स 720 PSI, जबकि जगुआर वैज्ञानिक नाम पेंथेरा उनका, लंबाई लगभग 6 से 7 फीट, ऊंचाई लगभग 2.6 फीट, वजन लगभग 56 से 96 किलोग्राम, छलांग लगभग 20 फीट, रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बाइट फोर्स 1500 PSI। जगुआर और कूगर दुनिया के कुछ हिस्सों में एक ही निवास स्थान साझा करते हैं, इसलिए उनके बीच टकराव की संभावना बहुत अधिक है। जाहिर है जगुआर बहुत बड़े और भारी होते हैं। औसतन किसी भी कूगर की तुलना में जगुआर अधिक मांसल है। लगभग हर बार जब तक यह बहुत अस्वस्थ न हो यह जीत जाएगा, लेकिन दूसरी ओर अगर हम आक्रामकता का स्तर देखें तो कूगर अधिक हिंसक होते हैं और वे बड़े ग्रिजली को भी हरा सकते हैं। लेकिन यह सच है कि भालू उतने आक्रामक नहीं होते, लेकिन यह अभी भी एक काल्पनिक शो है। शक्ति ही सब कुछ नहीं होती है, कभी कभी जानवरों की इच्छा और क्रोध पर भी विजेता का निर्णय हो जाता है। जगुआर के रूप में एक गुस्सेल शिकारी सामने आता है और इसमें मजबूत काटने का बल भी है, तो इस वजह से मुझे जगुआर को ही विजेता बनाना होगा। आगे देखिए, पुमा वर्सेस ईगल। चील कहे या ईगल या बाज, बात एक ही है। बाज बहुत ही चतुर और फुर्तीला होता है। यह अपना शिकार रणनीति बनाकर करता है और बाज ज्यादातर कीड़े मकोड़े, छोटे जानवरों, छोटे पक्षियों को अपना शिकार बनाता है, लेकिन कभी कभी यह बड़े जानवरों का भी शिकार करने की कोशिश करता है। बाज का औसत जीवन काल लगभग 70 सालों का होता है और बाज 40 साल के बाद वृद्ध हो जाता है। यहाँ वीडियो में एक बाज पुमा का धोखे से शिकार बन जाता है, जबकि पुमा तो इतना फुर्तीला होता है कि वह किसी भी बाज जो नीचे उड़ रहा हो एक छलांग लगाकर पकड़ लेता है। आगे देखिए, पुमा वर्सेस बनबिला। लिंक्स एक मध्यमाकार जंगली बिल्ली है। इसे बनबिलाव के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तरी अमेरिका से लेकर यूरेशिया तक पाई जाती है। यूरोशियन लिनक्स इनकी प्रमुख प्रजाति है। इनकी तीन और प्रजातियां हैं, बोबकैट, साइबेरियन लिंक्स, कनाडियन लिंक्स। पुमा और बनबिलाव की लड़ाई में जीतेगा तो पुमा ही, लेकिन ये आपस में थोड़ी बहुत झड़प करके अलग अलग भाग जाते हैं। आप वीडियो में इनकी लड़ाई देख सकते हैं। ऐसे ही पहाड़ी शेर की स्नो लेपर्ड, ब्लैक पेंथर, वुल्फ, जगुआर, ईगल, बनबिलाव, एनाकोंडा, सामान्य कुत्ते, पिटबुल और लकड़बग्घा के सांस रोक देने वाले मुकाबले देखने के लिए इसी वीडियो का अगला पार्ट देखना न भूले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, क्या आपने पुमा को शिकार करते हुए देखा है? यदि देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। We tried our best to provide correct facts and information, but the all information are collected from online sources, so please excuse us if you found any wrong information in the video, and comment us in the comment box about the information that you found not suitable. Thanks for watching our videos. हमने सही तथ्य और जानकारी प्रदान करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सभी जानकारी ऑनलाइन स्रोतों से एकत्र की जाती है, इसलिए कृपया हमें क्षमा करें यदि आपको वीडियो में कोई गलत जानकारी मिली है, और हमें टिप्पणी बॉक्स में उस जानकारी के बारे में टिप्पणी करें जो आपको उपयुक्त नहीं लगी। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Disclaimer: Video is for educational purpose only. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips a balance in favor of fair use. Thanks for watching. देखिए, ऐसा है कि शासन और प्रशासन की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। ये वीडियो सत्य और असत्य दोनों घटनाओं पे आधारित है। इस वीडियो के कुछ पात्र काल्पनिक है और कुछ वास्तविक है, इसे अपने खोपड़िया का यूज करके समझिए। इसमें यूज किए गए जो बड़े वर्ड्स को फन में वीडियो को पूरा देख के लाइक और शेयर करके जाए, वरना पाप लग सकता है। और कमेंट बॉक्स में गुंडा न करें। मजा